डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 50। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, यहाँ पे एड दिया हुआ है, लेकिन इसी एक्सरसाइज में आपको एड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आगे मिलेगा। एक्सरसाइज 50 का क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों के पास, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या करें इसमें, मनीषा गॉट ₹25.30 फ्रॉम हर फादर। मनीषा अपने पापा से इतना रुपया प्राप्त करती है, एंड हर ब्रदर रोहित गोट इतना, और उसका भाई जो है इतना पैसा प्राप्त करता है। हाउ मच मनी डिड मनीषा गेट मोर देन हर ब्रदर। तो मनीषा अपने भाई से कितना रुपया ज़्यादा प्राप्त करती है, मतलब इसको माइनस करना है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनीषा गोट, मनीषा कितना प्राप्त करती है, ₹75.30 इतने रुपया प्राप्त करती है, और उसका भाई हर ब्रदर इतने रुपया प्राप्त करता है, ₹67.85। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो कितना हो जाएगा 10, 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 8, तो 2 से 12 बन गया, ये यहाँ से कैरी लिए 8 गया, तो 12 में 8 गया तो 4 पॉइंट लगा दिए, और यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ से कैरी गया, ये 14 हो गया, 14 में से 7, तो 7 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया। तो इतना रुपया मनीषा अधिक प्राप्त करती है, तो मनीषा गेट्स मोर, मनीषा अधिक प्राप्त करती है ₹7.45। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 50 का क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग के सामने, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अनुष्का गॉट इतना फ्रॉम हर मदर। अनुष्का अपने मम्मी से इतना रुपया प्राप्त करती है, 75.75, एंड ₹60 फ्रॉम हर फादर, और अपने पापा से 60 रुपीज़ प्राप्त करती है। सी बॉट ए बुक फॉर ए, तो वह इतना रुपया का एक किताब खरीद लेती है, 59.90 का एक बुक खरीद लेती है। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, तो अब उसके पास कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जितना आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। अनुष्का गॉट, अनुष्का अपने मम्मी से इतना रुपया प्राप्त करती है, और फिर अनुष्का गॉट फ्रॉम हर फादर, और अपने पापा से कितना रुपया प्राप्त करती है, ₹60। ठीक है, 60 को हम पॉइंट लगा के 0 0 लिख सकते हैं, तो फिर उसके पास टोटल कितना पैसा हो गया। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ऐड, तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया पॉइंट, और फिर यहाँ पे 5 हो गया, और 7 6 13 हो गया, तो 13 हो गया, मतलब ₹135 जो है उसके पास टोटल हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं, सी हैज टोटल, तो ये जो है उसके पास टोटल हो गया। अब वो बुक खरीद लेती है, सी बॉट ए बुक फॉर, कितने रुपए लगाती बुक में, 59.90 रुपीज, तो इसको करते हैं यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये 5 हो गया, और ये 7 तो जाने वाला है नहीं, यहाँ से कैरी लेते हैं, 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8 पॉइंट आ गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 में से ये 14 बन गया, 14 में से 9 9 5 14, इसका मतलब हो गया 5, और यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 12 हो गया, 12 में से 5 तो 7, तो उसके पास अब इतना रुपया बची है, सी हैज लेफ्ट, उसके पास इतना बचा है ₹75.85, ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं,